सबसे पहले आपको दिखाएंगे रीम और सेबान के राणे वीलॉग्स। जी हाँ, ये है SBS ओरिजिनल्स। दिस इज राणे बॉक्स बॉस बॉस सॉरी राणे बॉस व्लॉग। अरे क्या रुको क्या जले हुए तिल के लड्डू। मुझे लगता है काफी टैलेंटेड लोग हैं जो बना रहे हैं। हमारे पास तो टैलेंट है नहीं, तो हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं वो नहीं, एक्चुअली इट्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी टू यू नो दोनों चीज़ें एक साथ करना, कॉन्सेप्ट कंटेंट आइडिया और फिर सब उसकी स्क्रिप्टिंग करना। एंड हैट्स ऑफ टू द पीपल हु आर हैंडलिंग इट अलोन, बिकॉज मोस्टली यू नो लोगों के पास भी लोग होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। अगर हमारा ब्लॉग होता कल्याणी और मल्हार का तो हम क्या करते? आई थिंक हम दोनों का ब्लॉग सबसे ज्यादा हम लोगों को सिखाए लड़ाई कैसे करते हैं। आज तक लोगों ने सिखाया है कि मतलब प्यार कैसे किया जाता है, दोस्ती कैसे, हम लोगों को सिखाते हैं लड़ाई कैसे करते हैं। सो ठीक है, मतलब ये तू कहना चाह रही है बिग बॉस? हाँ नहीं नहीं, बिग बॉस नहीं, दिस इज राणे द बॉस। हम दोनों राणे हुए और हम दोनों बॉस हुए। अब दो बॉस की तो चल नहीं सकती ना एक साथ, तो इसलिए हमारी नोकझोंक होती है। सो दिस इज राणे बॉक्स। ये तो बड़ी गलत बात की आपने। मतलब मैं लड़की हूँ तो मैं काम करूंगी? तो मैं तो खाना बनाता हूँ। कितनी बार तुम बनाती हो खाना? तुम्हें खाना बनाना पता है? मुझे जले हुए तिल के लड्डू, जले हुए दिल के लड्डू बनाए थे ना? हाँ। तो कुछ अच्छा बना लेती? अरे जले हुए दिल के लड्डू इन्होंने बनाए थे। हद होती है, ये व्लॉग वालों को दिखा दो कि तुझे खाना बनाना नहीं आता है। हाँ खाना बनाने की बात कर रहे, रोज मेरे टिफिन में से खाना चुरा के खाते हैं। ये मास्टर शेफ होगा ना जो मतलब मास्टर शेफ नहीं, अभी राणे बॉस की बात चल रही है। दिस इज राणे बॉस व्लॉग। राणे बॉस चाहते हैं कि आप अच्छा खाना बनाएं, और राणे मैडम चाहती हैं कि आप उन्हें अच्छा खाना बनाना सिखाएं। अगर आप तंग करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, तो फिर सुबह सुबह उनको ब्लैक कॉफ़ी पीना पसंद है, वो मत बना के दीजिए। दिमाग खुलेगा ही नहीं, तो फिर वो तंग होते रहेंगे पूरा दिन। आप भी कुछ बता सकते हैं? जो भी चीज़ ये कर रही हैं उसको मना कर दीजिए। आपके लिए कॉफ़ी बना के लेंगे मन नहीं है। पहले मन था जब बोला था, खाना लेकर आए आप बोलिए खाना खाने का मन था, लेकिन अब नहीं है। इन्होंने मेरे साथ बाय द वे सच में ऐसा किया है, मैं कॉफ़ी बना कर लाई और फिर बाद में बोला मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी। हाँ मुझे फिर चाय पीनी थी। अच्छा मुझे फिर चाय पीनी थी। और जब चाय आए आपके लिए तो बोलिए कि मुझे कॉफ़ी पीनी है। अच्छा 101 क्या है? दो तरीकों अच्छा। में आप सॉल्व हो जाएगा। जब भी ये नहाने जाएं तो फिर गीज़र चालू करके जाते हैं, लेकिन आप बाहर से गीज़र बंद कर दीजिए। आप ठंडे पानी से नहाइए और ठंडे पानी की बाल्टी लेके जाइए और इनके ऊपर डाल दीजिए, और फिर आप जाइए इनका जो तौलिया है वो छुपा के रख दीजिए। तो आप बिना तौलिए के बाहर निकलिए। अरे क्या रुको क्या ब्लॉग अच्छा आइए। तो आप देख रहे हैं कल्लू और मल्लू का ब्लॉग, किस तरह से कल्लू ने मल्लू को परेशान किया और मल्लू ने कल्लू को परेशान किया। और मल्लू देखिए कैमरे में खुद आना चाह रही हैं और हमें नहीं आने दे रही हैं, चाहती हैं कि सिर्फ यही दिखते रहें, खूबसूरती दिखते रहे और मल्हार ना दिखे। ऐसा कैसे चलेगा? नहीं मेरी साड़ी थोड़ी महंगी है तो मैं दिखाना चाहती थी इसलिए मैं उठ गई। आइए देखते हैं मल्लू की साड़ी। चलिए थोड़ा गार्डन में टहल के आए, जो हमारे पास एक छोटा सा गार्डन है। और दिखाते हैं कल्लू मल्लू कहाँ कहाँ लड़ते हैं बैठ के। यस रोमांस तो उनको आता नहीं है, हमें सिर्फ लड़ना ही आता है। हाँ। एक दिन जब रोमांस करेंगे तो आप घबरा जाएंगे, इसलिए आप देखिएगा मत। हाँ। ये है हमारा गार्डन, छोटा सा प्यारा सा, और यहाँ पे हम लोग अक्सर जब लड़ाई नहीं करना चाह रहे होते हैं तब यहाँ पे बैठ के कॉफी पीते हैं और भजिया खाते हैं। तो मुझे आजकल भजिया खाने का बहुत ज्यादा शौक चढ़ा है, लेकिन कोई इनको खाने नहीं दे रहा है क्योंकि ये पतला होना चाहते हैं। हाँ इनकी वजह से ये मुझे मोटा मोटा बोलते रहते हैं। देखिए मोटापा बढ़ रहा है कल्लू का।
कैसा लगा हमारा ब्लॉग प्लीज़ हमें बताइएगा, और आई होप कि आपको पसंद आए, तो फिर हम और ब्लॉग बनाएंगे। और अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि आप दूसरों को स्पेशली अपने पति को कैसे छेड़ सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे दोबारा कॉन्टैक्ट करें, और रब्ता में आपको बहुत तरीके मिलेंगे कैसे पतियों को परेशान किया जाता है, तो प्लीज़ वॉच दिस है रब्ता। प्लीज़ वॉच दिस है रब्ता। थैंक यू। राणे बॉस व्लॉग। अरे क्या रुको, क्या बनाते व्लॉग, जले हुए तिल के लड्डू। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।